Hey guys, welcome back to my channel. So today we will create this look and it's very simple and easy to create. So without wasting any time, let's start off with the video. So first I'm using the moisturizer. So guys, आप कोई भी मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं. तो यहाँ मैंने एक पतंजलि का कोकोनट वाला मॉइस्चराइजर यूज़ किया है. जो भी आपको सूट करता हो वो मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं. तो सेकेंड, यहाँ मैं प्राइमर यूज़ कर रही हूँ इनसाइड का, थोड़ा सा जहाँ पे भी, ताकि हमारे जो पोर्स हैं वो क्लोज हो जाए, ओपन पोर्स. तो हमें प्राइमर को अच्छे से टैप टैप करके जैसे मैं लगा लूँ वैसे लगा लेना है नोज़ के या और चीक्स के अराउंड और फिर ऑल ओवर द फेस. नेक्स्ट आई एम यूजिंग करेक्टर, ऑरेंज करेक्टर मैं यूज़ कर रही हूँ टू कवर अप माई डार्क सर्कल्स एंड और जहाँ पे मेरा डार्कर एरिया है फेस पे. अब का इस फाउंडेशन, कोई कोई क्या होता है कि कोई कोई फाउंडेशन यूज़ कर लेता है, बट यार ब्लैक को कोई भी वाइट चीज़ नहीं ढक कवर कर सकती है, कोई ढक नहीं सकती है. तो हमें उसके लिए करेक्टर यूज़ करना ही पड़ेगा. सो हेयर आई एम यूजिंग ऑरेंज करेक्टर टू कवर अप माई डार्क सर्कल्स और डार्कर एरिया माई फेस. और फिर ब्यूटी स्पंज की हेल्प से इसे अच्छे से हमें ब्लेंड कर लेना है ऑल ओवर द फेस जहाँ जहाँ में हमने करेक्टर का यूज़ किया है. और ब्यूटी स्पंज हमारा डैम्प होना चाहिए, इट शुड नॉट बी ड्राई. नेक्स्ट हम फाउंडेशन का यूज़ करेंगे. यहाँ मैंने सिवाना की यूज़ किया है. आप कोई भी जो आपको सूट करता है गाइज वही यूज़ किएगा. कुछ भी यू नो ट्राई मत किए ऐसा वैसा. अगर आप कुछ भी न्यू प्रोडक्ट ट्राई कर रहे हैं तो उसको पेस्ट टेस्ट ज़रूर करिएगा. और हाँ, यहाँ मैंने ब्रश की ऐसे इसको टैप टैप किया है, ड्रैग नहीं किया है ऐसे. तो पहले मैंने ब्रश की, आप चाहे तो डायरेक्ट मतलब ब्यूटी स्पंज की हेल्प से कर सकते हैं, बट यहाँ मैंने पहले ब्रश की हेल्प से पूरे ऑल ओवर द फेस इसको टैप टैप करके मतलब फाउंडेशन पूरा ऑल ओवर द फेस लगा लिया है. एंड हम नेक पे ऐसे ड्रैग करेंगे और उसके बाद हम स्पंज की हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड कर देंगे ताकि हमारा जो फेस है कुछ भी केक या कुछ ज़्यादा या कम ऐसा ना लगे. अच्छे से इसको ब्लेंड कर लेना है ऑल ओवर द फेस, आईज, नेक, अराउंड नोज, हर जगह. इसका फिनिश बहुत अच्छा है. मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे एलिगर का कंसीलर, जहाँ पे भी जो डार्क सर्कल्स हैं मेरे आईज के अराउंड या जहाँ पे मुझे लगता है कि डार्कर एरियाज है, इसको अच्छे से हमें ब्लेंड कर लेना है. आप चाहे तो ब्रश की हेल्प से भी ब्लेंड कर सकते हो, बट या मैं स्पंज की हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ. इसका जो फिनिश है ना गाइस बहुत ही अच्छा है. अब मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ मेबरिन फिट मी का कंसीलर टू हाईलाइट माय अंडर आई और अराउंड माय लिप्स आल्सो. आई एम यूजिंग दिस ताकि और अच्छे से हाईलाइट हो जाए, मतलब जो भी डार्कर एरियाज है वो सब छुप जाए. वैसे तो मैंने करेक्टर का भी यूज़ किया है, बट इससे एडिशनल की हाईलाइट अच्छे से हो जाता है. ये भी बहुत अच्छा है, मतलब इसका जो फिनिश है बहुत ही अच्छा है. इसको भी हमें अच्छे से ब्लेंड कर लेना है ऑल ओवर द फेस और जो भी बचा हुआ प्रोडक्ट है वो ऑल ओवर द फेस हमें लगा लेना है और नेक पे भी. नाउ आई एम यूजिंग द लैक्मे का जो कॉम्पैक्ट है. आप चाहे तो लूज़ पाउडर यूज़ कर सकते हैं, बट मैं इसको कॉम्पैक्ट को ही एज अ लूज़ पाउडर यूज़ कर रही हूँ जहाँ जहाँ पर हमने कंसीलर यूज़ किया था, अंडर द आई और नोज के अराउंड और लिप्स के आसपास जो भी है. तो मैं अच्छे से इसको कर लेना है. अब बारी है आई शेडो की. सो आई एम यूजिंग द निका के आई शेडो. तो यहाँ पे मैंने ट्रांसलूसेंट कलर, आप ऑरेंजिश या ब्राउनिश में मैंने यहाँ पे लिया है ओवर द लिड या क्रीज लाइन पे. मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड करना है. यार सबसे जो वो है फॉर्मूला आई शेडो का अच्छा दिखने का, हमें ब्लेंड 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 करना है. तो हमें पहले ओवर द लिड जो है हमें अच्छे से, इसको मैंने ट्रांसलूसेंट कलर लिया है. अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ ऑरेंज कलर, हमें ओवर द लिड इस पर लगाना है. पहले मैंने क्रीज के ऊपर जैसे लगाया था, अब यहाँ पे जैसे मैं लगा रही हूँ यहाँ पे ओवर द लिड, हमें इसको अच्छे से ब्लेंड ब्लेंड करते हुए लगा लेना है. अच्छे से मिक्स कर देना और अच्छे से ब्लेंड लगा लेना है ताकि कोई भी जो है अजीब सा ना लगे, ऐसा ना लगे हमें प्रोडक्ट थोप दिया है. बस अच्छे से इसको ब्लेंड करना है, अजीब नहीं लगना चाहिए. ब्लेंड 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 अच्छे से ब्लेंड करेंगे तो आप कुछ भी कर लगाओ, चाहे बिगनर हो या कोई भी, आपकी आई शेडो बहुत ही अच्छी दिखेगी. अब मैं यहाँ थोड़ा सा ब्लैक आई शेडो ले रही हूँ और हमें इसको एज अ आई लाइनर जैसे हम लगाते हैं ना वैसे लगाना है. और हमें जो आउटर लिड के पे होता है उसको अच्छे से मिक्स कर देना है, एज अ आई लाइनर लगा के इसको
आउटर लिड पे इसको अच्छे से मिक्स कर देना है विद द हेल्प ऑफ द जो ऐसे आगे से जो मोटा वाला ब्रश होता है फ्लफी वाला, उसको अच्छे से मिक्स कर देना है ताकि वो थोड़ा सा अजीब सा ना लगे। तो विद द हेल्प ऑफ द ऑरेंज जो मैंने ओवर द लिड लगाया था, इसे अच्छे से इसको मिक्स कर देना है वो वाला कलर शेड लेके थोड़ा सा, ताकि जो ओवर द लिड है वो हमारे पास अच्छे से कलर आ जाए, वो थोड़ा सा ब्लैक सा। और जब कोई भी जो फॉल आउट हुआ है उसको हम अच्छे से हटा देंगे, या अगर आप थोड़ा सा कंसीलर यूज़ करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं। तो ये है हमारे आई का मेकअप, या डन, आई एम डन विद द अदर आई ऑल्सो। तो मुझे तो ये आई बहुत अच्छी लगी और थोड़ा सा इफेक्ट आ रहा है ब्लैकिश का। ऐसे ही हम नीचे प्रोसेस करेंगे, जो हमें ऊपर प्रोसेस करना होता है वही हमें नीचे करना होता है अंडर आई में। तो हम नीचे पहले ब्लैक यूज़ करेंगे कलर, एंड आगे ऑरेंज यूज़ करेंगे सेम जैसे मैं यहाँ कर रही हूँ। यहाँ मैंने कुछ भी आईलाइनर या काजल का यूज़ नहीं किया है, सेम जो ऊपर आई शेडो लगाया वही नीचे लगाया। मैंने वाटर लाइन पे काजल वगैरह या कुछ भी नहीं यूज़ किया, सिर्फ आई शेडो का यूज़ किया है सिंपल। एंड नाउ हम यूज़ करेंगे मस्कारा, जिससे हमारी आईज हैं वो लिफ्ट हो जाती हैं। मैं यहाँ पे आई लैशेज का यूज़ नहीं कर रही हूँ, आप चाहे तो कर सकते हैं, उससे और भी ब्यूटीफुल लुक आता है। बट ये मैंने जैसे नॉर्मल हम वियर करते हैं या पार्टी में या जैसे भी है, तो ठीक है आई लैशेज का हम नॉर्मल यूज़ नहीं करते हैं, तो इसलिए ऐसे भी बहुत सुंदर लगता है। अगर या मैंने लैक्मे का मस्कारा यूज़ किया था, अब बारी है कॉन्टोरिंग की। इससे फेस जो है वो हाईलाइट हो जाता है हमारा, जो हमारे शेप आ जाती है बहुत अच्छे फेस की। तो यहाँ पे सबसे पहले हम नोज़ को कंट्रोल करेंगे। यहाँ पे मैंने ब्रश जो है वो छोटा वाला यूज़ किया, जो हम जैसे आई शेडो का यूज़ करते हैं आई शेडो के लिए, फ्लफी ब्रश जो आगे से होता है। तो फिर नोज़ को कंट्रोल करने के लिए और चीक्स को हमें कंट्रोल करना है, अब ईयर से लेकर लिप्स तक ऐसे जैसे मैं कर रही हूँ, एंड हेड पे फोरहेड पे। मैंने थोड़ा थोड़ा ही कंट्रोलिंग किया तो मुझे इतनी नीड नहीं लगती, तो इसलिए अब बारी है ब्रश की। ब्रश तो मेरे को बहुत ही पसंद है गाइस। सो आप प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपको मेकअप में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। एंड हम ब्लश करेंगे और फिर ब्रश लगाएंगे ब्लश करते करते, ठीक है। तो हर किसी का ट्राई अलग होता है, कोई ड्रैग करके ब्रश लगाता है, कोई टैप टैप करके ब्रश लगाता है, तो इस अप टू यू कि आपको कैसा पसंद है, पर मुझे टैप टैप करके ज़्यादा प्रेफर लगता है। और फिर इसके बाद हम लगाएंगे हाइलाइटर। वाओ, ये तो सबसे फेवरेट है मेरा ब्रश के बाद, नहीं नहीं ब्रश से पहले। ये मेबलिन का हाइलाइटर है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा, मतलब थोड़ा सा लगाने पर ही ये बिल्कुल ऐसा चमक उठता है, मतलब क्या हाइलाइट हो गया है फेस। तो इसको चीक्स पे और नोज पे मैंने हर जगह लगाया है। एंड नाउ लिपस्टिक, मैंने यहाँ लाइनर का यूज़ नहीं करा, आप चाहे तो कर सकते हैं, बट मुझे यहाँ प्रेफर नहीं लगा क्योंकि ये लिपस्टिक है ही इतनी मस्त कि यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ी है मेरे को। या मैंने नायका की लिपस्टिक यूज़ करी है इन अ शेड गुवाहाटी, अब मैं जो भी है मैं मेंशन कर दूँगी आपको नीचे। एंड उसके बाद मैं एक लिपस्टिक और उस पर टैप कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा जो कलर है वो और एनहेंस हो जाए। एंड दिस इज़ माई फाइनल लुक गाइस, होप यू लाइक इट। प्लीज़ कमेंट करके नीचे ज़रूर बताना आपको कैसा लगा और आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है मेकअप में। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक माई वीडियो, एंड बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।